गाइस हम वापस से रोड पे आ गए हैं और अब चलते हैं एक नए डेस्टिनेशन की तरफ और साथ में नया होटल अभी दिखाते हैं आपको। और ये हमने नए होटल का मैप लगाया अभी और ये बता रहा है अभी 27 मिनट्स 8.5 किलोमीटर्स। रोड्स अच्छी हैं जयपुर के अंदर की, जो सिटी रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और ट्रैफिक भी मतलब ऑर्गेनाइज है, उतना क्योटिक ट्रैफिक नहीं है यहाँ का बाकी और सिटीज़ की तरह। मेरे ख्याल से जयपुर के किसी भी ओल्ड हिस्से में एंटर कर गए हैं जहाँ पे काफ़ी मतलब ट्रैफिक नहीं है, रनिंग ट्रैफिक है, लेकिन काफ़ी छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं और लोग काफ़ी तेज़ी से इधर उधर से आ रहे हैं निकल निकल के। काफ़ी अच्छा है, मतलब भीड़ है लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपको रुकना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड है बाकी सिटीज़ की तरह, ऐसा नहीं कि कहीं आप एक जगह फंस जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके इधर उधर घूम सकते हैं अच्छे से, कोई कैब वगैरह लेने की ज़रूरत है नहीं। वन बन ना जाए और ऊपर से चले यहाँ से कोई फोर्ट वगैरह दिखाई दे रहा है यदि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए अभी दिखाई दे रहा है पेड़ के पल्ली तरफ, ये देखिए। और यहाँ पे सब ये पूरा ओल्ड हेरिटेज ही है, तो काफ़ी छोटी छोटी गलियों से हम निकलते हुए और देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने दूसरे वाले होटल में और ये थोड़ा न्यू प्रॉपर्टी है, बाकी इसके रूम्स वगैरह चेक करते हैं कि कैसे होते हैं। तो चलो देखते हैं अंदर की तरफ। और देखिए यहाँ से हमारे होटल से जो जल महल है वो बहुत ही पास है, चाहे तो आप पैदल भी जा सकते हैं, 5 मिनट का रास्ता है। तो अब हम देखेंगे कि हम पैदल जाएंगे या ई रिक्शा से। ये देखिए यहाँ पे ई रिक्शा हो तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे रोड पे ही, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे साथ बच्चे हैं तो शायद हम ई रिक्शा करके जाएंगे और मन करा तो पैदल भी जा सकते हैं। और आके हम आगे जाके पहले होटल दिखाती हूँ आपको, उसके बाद हम जल महल चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो वहाँ की। और जैसे कि न्यू ईयर का वीकेंड है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, मतलब होटल में नहीं मतलब आसपास जितना भी मार्केट वगैरह है सब जगहों पे, फोर्ट वगैरह पे, सब पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए बस चलते हैं अंदर की तरफ। और ये देखो छोटे छोटे से पपी, ये देखिए सो रहे हैं धूप में। हेलो हेलो पपी, हेलो 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 हेलो, इनके पेट है क्या? होटल तो बहुत सुंदर है, बाकी इसके रूम्स वगैरह देखते हैं कि कैसे हैं। ये रेस्टोरेंट है और ये देखिए हमारी शैतान तक्ष का खेल चालू है। ये देखिए और देखिए हमें मिल चुका है रूम, तो हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये देखिए एक्स्ट्रा बेडिंग भी है बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा बेडिंग बच्चों के लिए। ये देखिए मैं और चलिए चलते हैं दूसरे रूम में। यह है दूसरा रूम और सही में ब्रांड न्यू रूम है। चलो भैया नीचे, चलो भैया। ये देखिए है यहाँ पे टीवी यूनिट बनी हुई है, ये कबर्ड है, फैन बंद करना, ये छोटी सी कॉफी टेबल और वॉशरूम। वॉशरूम अच्छा है इनका,
और ये बाथिंग एरिया, और इन्होंने स्लीपर भी दिए हैं वॉशरूम में। बाकी व्यू देख लेते हैं, व्यू चौकड़ है यहाँ से, व्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मिरर बेड छोटे वाला है लेकिन अच्छा है, रूम ओवरऑल अच्छा है, उस वाले होटल से काफ़ी अच्छा है।